जब एक इंसान शारीरिक बीमारी के डर का सामना कर रहा होता है, तो शरीर में थोड़ा सा भी असहज महसूस होने की स्थिति में इंसान का मन डर को पैदा करने लगता है। इंसान को यह लगने लगता है कि मेरे शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है, जिसके लिए मुझे समाधान करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाने पर, शारीरिक जांचें कराने पर कुछ भी ना निकल के आने की स्थिति में मन संतुष्टि का अनुभव नहीं करता है। मन में डर का स्तर बढ़े रहने के कारण हमेशा घबराहट और बेचैनी बनी रहती है। भविष्य को लेकर के तरह तरह के विचार चलते रहते हैं और इंसान को लगता है कि जो कुछ भी उसके शरीर में हो रहा है, यह इस ओर संकेत करता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए मुझे पहले से सतर्क रहना होगा, इसलिए मुझे शारीरिक जांचें करा लेनी चाहिए, ताकि अगर मुझे कोई समस्या हो तो वह पता चल सके। परंतु जब एक इंसान शारीरिक जांचें कराता है तो उसे कुछ समय के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि उसकी विचार प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है, उसके डर के स्तर में कमी नहीं आई है, इसलिए कुछ समय बाद उसका दिमाग वापस से शारीरिक बीमारी को खोजने लगता है। उसे लगता है कि इस बार हो ना हो मुझे कोई ना कोई शारीरिक बीमारी है और इसके लिए मुझे जांचें करानी ही होंगी। परंतु इस बार स्थिति थोड़ी अलग होती है। पिछले दिनों के अनुभव के परिणाम स्वरूप एक इंसान शारीरिक बीमारी से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा कर चुका होता है। अब वह उन्नत या फिर हम कहें एडवांस टेस्ट की ओर बढ़ता है, यानी कि जो उसने पहले शारीरिक जांचें करा ली थी उससे भी कई गुना महंगे, और इस तरह की जांचों को वह लगातार खोजता है, जिससे उसे यह समझ में आ जाए कि हाँ, उसके शरीर में कहीं कोई तकलीफ है जो उसे पकड़ में नहीं आ रही है, या फिर तकलीफ ना निकले ताकि वह अपने आप को संतुष्ट कर सके। कई बार यह भी देखने में आता है कि जांचें कराने पर किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी समस्या निकलने की स्थिति में मन तरह तरह के विचार पैदा करने लगता है, मन में डर का स्तर बढ़ने लगता है, और उस छोटी सी समस्या को इंसान गंभीर शारीरिक बीमारियों से जोड़कर देखने लगता है। परिणाम यह होता है कि मन में डर एवं घबराहट हर समय बनी रहती है और शरीर में होने वाले छोटे मोटे परिवर्तन भी इंसान को बहुत अधिक असहज महसूस कराते हैं। अगर आपके साथ यह स्थिति बन रही है दोस्तों, कि आप बार बार शारीरिक जांचें कराते हैं, आपको संतुष्टि नहीं मिलती है और मन में डर एवं घबराहट का स्तर बना रहता है, तो आपको यहाँ पर एक बात बड़े ही स्पष्ट ढंग से समझनी होगी कि आपकी समस्या शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। यानी कि जो आपके मन में डर बना हुआ है और जो आपके मन में विचार प्रक्रिया बन चुकी है, जिसे आप अपने स्तर पर ठीक नहीं कर पा रहे हैं, वही समस्या की मूल जड़ है। तो अगर विचार प्रक्रिया को ठीक करने का काम किया जाए, उन मनोसामाजिक कारणों को खोजकर ठीक करने का काम किया जाए जो कि आपकी समस्या के लिए जिम्मेदार हैं, तो धीमे धीमे करके आप पाएंगे कि जो मन में डर बना हुआ है शारीरिक बीमारी को लेकर के, वह कम होगा, तथा शरीर में जो आप असहज महसूस करते हैं डर के चलते, आपको जो घबराहट होती है, जो बेचैनी होती है, वह भी विचार प्रक्रिया में परिवर्तन होने पर धीमे धीमे करके खत्म होने लगेगी। तो अगर ऐसी कोई स्थिति आपके साथ बन रही है और मेरी बातों से आप स्पष्ट तौर पर यह समझ पा रहे हैं कि शारीरिक जांचें कराते रहने से आपका डर कुछ समय के लिए तो खत्म हो सकता है, परंतु आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो आपको निश्चित ही मानसिक स्वास्थ्य परामर्श की ओर कदम उठाना चाहिए। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।